सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीबीएसई ने कहा है कि अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उसमें जो बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन होगा अब वो डिवीजन या डिस्टिंक्शन, कहते हैं ना कि 40% आए, 70% आए, 99% आए, अब वो सीबीएसई नहीं देगा। और इसी पूरे विषय पर बात करने के लिए इस वक्त एक खास मेहमान न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजू टंडन, भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय। डॉक्टर अंजू टंडन, आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। अंजू जी, कैसे देखती हैं आप, सीबीएसई ने पहले मेरिट लिस्ट को खत्म किया और अब सीबीएसई का ये फैसला कि जो डिवीजन या डिस्टिंक्शन है उसको भी अब खत्म किया जाएगा, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए दिव्य जी, जो आप डिवीजन और इन सब चीजों की बात कर रही हैं वो तो सीबीएसई बहुत समय से नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट वाइज या ओवरऑल डिवीजन या ओवरऑल रैंकिंग या मेरिट तो पहले भी नहीं थी, तो वो तो सीबीएसई कर ही नहीं रहा है, पहले भी नहीं करता था कभी भी। और जो सीबीएसई पहले देते थे वो एक परसेंटाइल रैंकिंग देते थे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि ग्रेडिंग होती थी A1, A2 एंड दैट वाज A1, A2, B1, B2 एंड लाइक वाइज, पर वो भी एक परसेंटाइल रैंकिंग थी, वो कोई इंडिविजुअल बच्चे की ग्रेड नहीं होती थी। उसमें टॉप 1/8 बच्चों को कंट्री वाइज सब्जेक्ट वाइज लिया जाता था और हर सब्जेक्ट की जो मेरिट होती थी वो टॉप 1/8 की या नेक्स्ट ग्रेड्स की वो अलग अलग होती थी। तो पहले भी इसी तरह से होता था, कोई डिवीजन या कोई मार्क्स या कोई परसेंटेज स्टूडेंट्स का इंडिविजुअली कभी भी मार्कशीट में नहीं दिखाया जाता, तो बहुत समय से ये प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। और जो ये परसेंटाइल रैंकिंग दिखाई जाती थी वो अब सीबीएसई वो भी नहीं दिखाने के फेवर में, और यही आपने जो आप जो चर्चा कर रही हैं कि परसेंटाइल रैंकिंग भी अब खत्म हो गई है, जो ग्रेडिंग करता था सब्जेक्ट वाइज वो भी खत्म हो गई, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग होती थी। से फॉर एग्जांपल इंग्लिश में 95-100 जिनके मार्क्स आए हैं उनको A1 ग्रेडिंग होती थी, या उस किसी भी बोर्ड एग्जाम में टॉप 1/8 ग्रेड इंग्लिश में 95 एंड अबव वालों को मिलता था A1। तो हिंदी में ये जरूरी नहीं है कि टॉप 1/8 को वो ग्रेडिंग मिले, हो सकता है हिंदी में 90-95 वालों को 1/8 ग्रेडिंग A1 मिले हिंदी सब्जेक्ट में। तो वो परसेंटाइल रैंकिंग होती, वो सब्जेक्ट के टॉप स्कोरर्स को डिवाइड किया जाता था 1/8 के स्लॉट्स में, जिसमें कि A1, A2, B1, B2, C, D एंड E ये ग्रेडिंग दी जाती थी पहले। तो मैम वही चीज जैसे आप कह रही परसेंटाइल रैंकिंग, तो ये जो A1 ग्रेड था इसका मतलब कि बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर सी और डी है तो इसका मतलब उसने कम अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो एक आकलन होता था ये बच्चों के अंदर जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, कंपटीशन की भावना है, इसको भी बढ़ाता था। और जाहिर तौर पर जो सी और डी वाला है वो भी ये चाहता था कि वो A1 तक पहुंचे, और A1 वाला ये चाहता था कि वो और अच्छा आगे परफॉर्म करे। तो आपको नहीं लगता कि सीबीएसई के इस फैसले से वो जो कॉम्पिटिशन की एक भावना है वो काफी कम हो जाएगी? देखिए दिव्या जी, मैं इस चीज को नहीं मानती, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की जो आप बात कर रही है वो कंपटीशन कभी भी किसी और से नहीं होता है, वो कंपटीशन अपने आप से होता है। तो जो परसेंटाइल रैंकिंग होती थी वो आपके आप किस स्लॉट में है, टॉप कंट्री के टॉप परफॉर्मर्स में से हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाता था कि आप अगर आपको A1 ग्रेड एक सब्जेक्ट में मिली है तो आप दैट मींस यू आर द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट ऑफ द कंट्री एंड यू आर नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी मोर इन दिस ग्रेडिंग। एंड सिमिलरली अगर आप A2 ग्रेडिंग में, दैट मींस यू हैव अ लॉन्ग स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, यू आर इन A2 ग्रेड, आप B1 में है या B2 में है, आप C ग्रेड में है, तो आपके पास स्कोप है, तो आप ऊपर टॉप रैंकिंग में जा सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज हेल्दी, ऑलवेज गुड, बट कॉम्पिटिशन विद अदर्स इज जस्ट टू सेटिस्फाई द ईगो, द यू नो वॉट
yields result is competition with oneself. You should compete with yourself, and that you can always do it by looking at your marks, looking at your grades, overall ranking, and that schools do it individually when they prepare the result, overall result of the school. They do it. They rank the students, they grade the students, they do the percentile. But CBSC per se will not be doing it from now onwards, from next board examination onwards. मैम, सवाल ये भी एक बड़ा खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब परसेंटाइल में भी रैंकिंग नहीं दी जाएगी, तो आने वाले समय में अगर 12वीं के बाद या अब तो 10वीं के बाद भी बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो हमें एक परसेंटेज चाहिए, एक डिवीजन डिस्टिंक्शन चाहिए, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? क्या सीबीएसई ने वो भी कुछ? वो तो आप अपने मार्क्स को देख करके कर सकते हैं. अभी भी जो भी आपके टोटल मार्क्स आए हैं यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज या अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, और अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर organizations, many other organizations, many other universities per se have already have their own entrance examination. So it doesn't matter what rank, what marks you have in the board. So it is not necessary for every university that you should have 90% and above marks to appear for the entrance examination. So there are several entrance examination now for entrance to different universities, different colleges, professional colleges. So that all depends on your own performance in that particular examination. So CBSC examination is a selection examination, and competition per se in other universities is a rejection exam, where the seats are limited and number of children taking examination are much more than the seats that are there. So that depends on your performance, your entrance examination, the cutoff thereof you get from those examination. It all depends on that. So this kind of ranking, A1, A2, what CBSC will not be giving anymore, is, as per my understanding, is not needed for any entrance examination. But शायद अब officially ये कह दिया गया है कि अब हम distinction division नहीं देंगे, schools जैसे करते थे वो करें. हाँ, schools तो अपना individually, that वही तो मैंने आपसे कहा कि school तो अपना individually करते ही हैं ranks या percentage calculation they do, school wise results they see, student wise also is seen, result analysis is done at the level of the school. CBSC will not be doing it for the entire country. That is what you're talking about. छात्रों के लिहाज से मैम कैसे देखती हैं आप इसे? पहले जो है वो कट ऑफ लिस्ट खत्म कर दी गई, अब परसेंटाइल जो रैंकिंग है उसे खत्म कर दिया गया. आपको क्या लगता है कि चूंकि आपने एक बहुत अच्छा टिप हमारे छात्रों को दिया, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, कि अपने आप से कंपटीशन होता है, हमें किसी और से कंपटीशन नहीं रखना है, बहुत अच्छा टिप आपने दिया, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? ये जो तमाम फैसले हैं, ये वाकई में स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल खत्म करते हैं? ये भी कहा जा रहा है आने वाले समय में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि दो बोर्ड्स होंगे, बच्चों को ऑप्शन मिल जाएगा. तो ये जो तमाम फैसले हैं, तमाम जो बदलाव हैं, इसे लगता है आपको कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल खत्म होगा या फिर बच्चे और ज्यादा लापरवाह भी हो सकते हैं? नहीं, आई थिंक जो ये डिसीजन लिया गया इतने बड़े लेवल पे, ये बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए, प्रेशर्स को कम करने के लिए, एक हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करने के लिए लिया गया. और मैं समझती हूँ बच्चे और पेरेंट्स जो सीबीएसई में मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए या परसेंटेज कम ज़्यादा होने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते थे किसी वजह से, पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, तो उस वजह से ये जो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया था. इस सिस्टम से मैं समझती हूँ ये बहुत हद तक कम होना चाहिए. बच्चों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा जो होती है वो एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होती है. सक्सेसफुल वही होता है जो अपने आप को अपने आप से ही आंकता है कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ और कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है. तो गोल्स आपको अपने डिसाइड करने,
और आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सीबीएसई का इसमें कोई रोल नहीं। तो ये जो रैंकिंग खत्म हो रही है, आई थिंक ये स्ट्रेस लेवल को कम करेगी, पेरेंटल प्रेशर्स को कम करेगी, और बच्चों को अपने आप से कॉम्पिटिशन करने की जो इच्छा है वो उसको बढ़ावा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजू टंडन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए। तो जाहिर तौर पर सीबीएसई ने जो ये एक बड़ा बदलाव किया है, जिस तरीके से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब परसेंटाइल रैंकिंग जो है उसे भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो ऐसे ही रैंकिंग देते रहेंगे, आपको डिस्टिंक्शन भी पता चलेगी, आपको अपना डिवीजन भी पता चलेगी, आप कहां पर स्टैंड करते हैं वो भी पता चलेगा। तो सिर्फ सीबीएसई की तरफ से आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अपने स्कूल्स की तरफ से आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि कंपटीशन किसी और से मत करिए, खुद से करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे विषय के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।